नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्नेहांकुर देशिंग पर। आज हम देखने वाले हैं वर्षा ऋतु पर निबंध। वर्षा के स्वागत में तोते उड़ते नभ में खुश होते, सारस ऊंची टेर लगाते, दूर दूर तक उड़ते जाते। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं की रानी है। वर्षा का आगमन सबके लिए सुखदायी होता है। यह ऋतु वर्षा करने वाली होती है, इसलिए इसका नाम वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु हमारे देश में जून जुलाई माह से सितंबर माह तक होती है। किसानों के लिए तो यह अमृत के समान है, क्योंकि उनकी फसल बारिश पर निर्भर है। बारिश के आगमन पर मोर चमचम करके नाचता है, कोयल मीठी राग सुनाती है, मेंढक टरटर करके अपनी खुशी जाहिर करता है। वर्षा ऋतु बहुत ही मनोरम ऋतु है। इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और सुख शांति फैल जाती है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही कवियों की लेखनी प्रकृति की सुंदर रचनाएं करने लगती है। इंद्रधनुष की शोभा तो बहुत ही निराली देखने को मिलती है। वर्षा ऋतु आने के बाद भारत देश में त्योहारों की झड़ी लगती है। वर्षा ऋतु से जहां अनेक लाभ है, वहां हानियां भी कम नहीं है। अत्यधिक बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ के कारण गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं, कई तरह के कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं। लेकिन बाढ़ भी मानव जनित कार्य से ही आती है, क्योंकि मानव द्वारा जंगलों की कटाई कर दी गई है, जिससे पानी का बहाव तेजी से होता है। वर्षा ऋतु में मौसमी बीमारियां बहुत अधिक होती है, लेकिन इनमें से ज्यादातर बीमारियां मानव द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है। अगर मानव पर्यावरण का ख्याल रखे तो वर्षा ऋतु से बीमारियां नहीं होंगी। बारिश का मौसम पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव को नया जीवन प्रदान करता है, इसीलिए वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे ऊंचा स्थान रखती है।